Good morning, everyone. My name is Somesh Pathak, Assistant Professor, Department of Management Studies, Uttarakhand Open University. In the previous lecture, we discussed about job analysis part. What does it entail? Job description, job specification, and job evaluation. In this lecture, we will discuss the job design process. What are the steps of job designing, and what are the techniques to follow a job design, right? So job analysis is basically followed by job design, as it is written on the screen. It is immediate step after the analysis takes over. आपने job analysis कर लिया, उसे evaluate कर लिया, ठीक है? तो अब उसको follow कौन करेगा? Job design, ठीक? It is the immediate step after the analysis takes over. It aims at outlining and organizing tasks, duties and responsibilities for the achievement of certain objectives, okay? इसका काम क्या होता है कि इसका काम वही है कि आउटलाइन करना आपके टास्क को ऑर्गेनाइज करना ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्ट्रीमलाइन करना कि जो अचीवमेंट आपने किया है किसी सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को लेके उसके प्रोसेस को उसकी डिज़ाइनिंग प्रोसेस को बेसिकली आपने देखना है कि किस तरीके से की जाती है इट ऑल्सो डिफाइंस द मेथड्स एंड रिलेशनशिप्स दैट आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ अ सर्टेन जॉब इन सिंपलर टर्म्स It refers to like what, how much, how many and the other order of the tasks for a job. इसका काम basically क्या है कि आपके job को देखना है कि वो job में होगा क्या. Designing उसकी करनी है basically इस चीज़ में कि क्या होगा उस job में, कितना होगा, किस तरीके से उसमें और अदर टास्क को आप include कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, ठीक है? So it essentially involves integrating job responsibilities or certain qualifications that are required to perform the same. Perform the required job. It outlines the job responsibilities very clearly and also helps in attracting the right candidates to the right job. Job design, अगर आप कोई चीज़ करते हो तो उसमें आप यही ध्यान रखोगे कि जो job responsibility है आपने बहुत clearly define करी है और आपने जो talent attract करना है वो right candidate के पास ही जाए ताकि वो right job में आ सके, ठीक है? Steps क्या होते हैं job design में? What tasks are required to be done? है ना? और उस टास्क को कैसे किया जाए? How are the tasks going to be performed? What are the number of tasks to be performed? And what is the sequence of performing these tasks? सिर्फ बनाने नहीं टास्क, क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है? कैसे करने हैं? कितने नंबर होंगे उस टास्क? कितने ज़्यादा होंगे टास्क? या क्या नंबर होगा उन टास्क को परफॉर्म करने का? और क्या सीक्वेंस होगा? किसके बाद क्या आएगा टास्क में? वो भी जॉब डिज़ाइन में प्रॉपर तरीके से मैंशन किया जाता है. When taken care of these steps, it leads to a clear objective and definition of a specific job. Okay, job सिर्फ ये नहीं ना, job में हमने पहले क्या बोला था कि job is a specific and outlined view of what is to be done, how it is to be done. ठीक है, एक specific set of duties हैं, responsibilities हैं. तो वो आप job design के through आप उसको define कर पाते हो कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये मेरा objective है जो कि बहुत clear है. और मेरी डेफिनेशन है एकदम ल्यूसिड क्लियर टू अंडरस्टैंड और मुझे ये जॉब में करना है. जॉब अगर एम्बिग्विटी रहेगी जॉब में कि मुझे करना क्या, मुझे यही नहीं पता, तो मैं अपने काम को प्रॉपर तरीके से कैसे कर पाऊंगा जब मुझे पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, राइट? सो जॉब डिज़ाइन क्या है? इट्स अ कंटिन्यूस एंड एवर इवॉल्विंग प्रोसेस दैट इज एम्ड एट हेल्पिंग एम्प्लॉयज मेक एडजस्टमेंट्स विद द चेंजेस इन द वर्क प्लेस. जॉब डिज़ाइन एक कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस है. जो आप काम कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि आपके काम को बीच में ही चेंज भी किया जाता है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपके जॉब का जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस है, इट इज़ एन इवॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है? जिसका काम होता है कि आपके बीइंग यू एज एन एम्प्लॉय आप एडजस्ट कर पाओ प्रॉपर तरीके से और उस चेंज को अपने आप में इनकल्केट कर पाओ आपके वर्क प्लेस में. द एंड गोल इज रिड्यूसिंग डिससेटिस्फैक्शन, एनहांसिंग मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एट द वर्क प्लेस, ठीक है? अगर ये नहीं हुआ तो आपका अपने काम में मन नहीं लगेगा, डिससेटिस्फाइड सा फील करोगे और मोटिवेशन ही नहीं होगा. तो जॉब डिज़ाइन का ये फंक्शन रहता है कि मैं इस तरीके से जॉब को डिज़ाइन करूं या उस तरीके से मेरे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करूं जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको डीमोटिवेटिंग फील ना हो, उसका एंगेजमेंट ख़त्म ना हो बेसिकली, राइट? अपने वर्क प्लेस से. द होल प्रोसेस ऑफ जॉब डिज़ाइन इज एम्ड टू एड्रेस वेरियस प्रॉब्लम्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप. Those that pertain to one's description of a job and associated relationships. पहला का काम है इसका कि आपको आपके काम को चेक करना कि क्या वो ओवरलोड तो नहीं हो रहा.
इंश्योर करें टास्क को कि वो रेपिटेटिव तो नहीं हो रहे नेचर में, राइट। अब ओवरलोड होगा, मतलब आपको एक टास्क डिज़ाइन किया गया है, बोला कि आपको इतने से इतने काम टाइम में ये काम खत्म करना है, सपोजिटली आप नहीं कर पाते हो, तो वो चेक करना जॉब डिज़ाइन के थ्रू कि अरे ये काम नहीं हो पाया, दैट मीन्स मुझे अब चेक करना है, मुझे डिज़ाइनिंग चेक करनी है जॉब की जो मैंने डिज़ाइन किया था, कि या ये प्रॉपर तरीके से है नहीं। आपने चेक किया तो आपको पता चला कि ये तो ओवरलोडेड है वर्क पे, तो यहाँ पे इस चीज़ को चेक करना, दैट्स द वर्क ऑफ जॉब डिज़ाइन, कि उसकी ओवरलोडनेस ज़्यादा ना हो जाए किसी वर्क की। कोई काम दोबारा दोबारा तो नहीं रिपीट हो रहा, रिपीटेटिव तो नहीं नेचर में, अगर कोई काम कर लिया दोबारा से तो मुझे काम नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। ऑल्सो इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉइज डू नॉट रिमेन आइसोलेटेड, ठीक। एम्प्लॉइंग और डिफाइनिंग वर्किंग आवर्स क्लियरली, एंड जो उनका वर्क प्रोसेस है उसको क्लियरली डिफाइन करना कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, ये एज एन इंडिविजुअल और एज एन एम्प्लॉय मुझे पता होना चाहिए, ठीक। तो वेल डिफाइंड जॉब जो होती है ना, वो इंकरेज करती है फीलिंग ऑफ अचीवमेंट को अमंग द एम्प्लॉयज एंड अ सेंस ऑफ हाई एस्टीम। अगर मैं रोज़ काम पे जा रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे एक पर्टिकुलर काम करना है, मुझे कोई और नहीं है उसे बताने के लिए, कोई मुझे इंटरफेयर नहीं कर रहा मेरे काम पे कि यार ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, बिकॉज आई नो माई वर्क, वट आई हैव टू डू एंड वट आई एम बिंग पेड फॉर, ओके। मुझे किस काम के पैसे मिलते हैं मुझे ये पता है। तो अगर वो कब पता चलेगा, जब मेरी जो डिफाइंड एक जॉब है वो प्रॉपरली वेल क्लियरली स्टेटेड हो मेरे को, मेरे सामने मेरे को जो सुपीरियर्स हैं मुझे बताएं कि भाई तुमने ये काम करना है एंड दिस इज़ योर वर्क, यू हैव टू गेट द आउटपुट फ्रॉम दिस वर्क, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे काम करना है और मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा कि मैंने ये मेरी वजह से काम हुआ है, एक फीलिंग आएगी अचीवमेंट की और एक हाई एस्टीम फील होगा, सेल्फ एस्टीम फील होगा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं जॉब डिज़ाइन के? अ गुड जॉब डिज़ाइन इनेबल्स अ गुड जॉब फीडबैक, सिंपल। अगर आपका जॉब डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से है तो उसका फीडबैक भी आपको अच्छा मिलेगा, राइट। तो एम्प्लॉयज हैव द ऑप्शन टू वेरी टास्क एज पर देयर पर्सनल एंड सोशल नीड्स, हैबिट्स एंड सर्कमस्टांसिस इन द वर्क प्लेस। ट्रेनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जॉब डिज़ाइन, ऑफकोर्स। आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो एक जॉब के थ्रू, उसको आप उस जॉब में अकस्टम कैसे कराते हो, आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। अगर सपोजिटली वो वहाँ पे उतना सही नहीं है या उसको एक स्किल नहीं आता है उतना प्रॉपर तरीके से, बट इफ़ दैट स्किल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट और फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द कंपनीज प्रोसेस, एक कंपनी के प्रोग्रेस के लिए अगर वो रिक्वायरमेंट है उस स्किल का, तो आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे। उससे क्या होगा, ट्रेनिंग विल हेल्प इन हिज ओवरऑल डेवलपमेंट, हिज ओन पर्सनल डेवलपमेंट, एंड विल ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। तो जॉब डिज़ाइन ऑफर्स गुड वर्क एंड द रेस्ट शेड्यूल बाय क्लियरली डिफाइनिंग द नंबर ऑफ आवर्स एन इंडिविजुअल हैज़ टू स्पेंड ऑन द जॉब। जॉब डिज़ाइन कर लिया का मतलब क्या होता है कि आपने डेली एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है कि आपको डेली क्या काम करना है। अगर वो पता है तो उसी में से आप एक इंडिविजुअल को बताओगे कि उसको एक दिन में कितने आवर्स लगाने हैं अपनी जॉब पे, ये पता होगा उसको, तो वो प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेडली डिसिप्लिन में काम कर पाएगा। अ गुड जॉब डिज़ाइन अलाउज फॉर एडजस्टमेंट्स फॉर फिजिकली एंड डिमांडिंग जॉब्स बाय मिनिमाइजिंग द एनर्जी स्पेंट डूइंग द जॉब एंड बाय अलाइनिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सेम। क्या मतलब, जो अभी हमने बात करी कि अगर उसे पता है कि उसे फिजिकली और इस जॉब में डिमांडिंग, इस अपनी जो जॉब डिमांडिंग है उसमें किस तरीके से मैनेज करना है, तो उसकी एनर्जी वो उसमें लगाएगा रादर देन डूइंग सम अदर एक्ट्स जो जिसकी रिक्वायरमेंट उस स्किल पे या फिर उस मैन पावर के रिक्वायरमेंट पे नहीं है, ओके। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट जॉब डिज़ाइन? देर आर बेसिकली ब्रॉड थ्री फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। पहला ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, वर्क नेचर ऑफ अ जॉब एंड जॉब डिज़ाइन इज रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई वेरियस टास्क इन टू अ जॉब। किसी एक वर्क का नेचर कैसा है और जॉब डिज़ाइन क्या है जो रिक्वायर है, वो जॉब डिज़ाइन किस तरीके से करी गई है कि जो क्लासीफाई करती है टास्क हो वो जॉब में इंटेल हो पा रहे हैं नहीं। द वेरियस टास्क मे बी प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, and all these are to be taken into consideration while designing a job, okay। job design करने के लिए आपको ये सारे parameters को देख के चलना पड़ेगा कि जो आपका proper तरीके से जो organization में जो काम होता है कि आपने planning कैसे करनी है, execute कैसे करना है, फिर उस चीज़ को monitor कैसे करना है, अगर बाहर चला गया suppose काम से तो उसे control कैसे करना है etc। ये सारे चीज़ को parameters को आप discuss करके या उसको consider करके आप एक job design करते हो।
तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिटर्मिन्स द वे टास्क आर कैरीड आउट एट द वर्क प्लेसेस। एक कल्चर डिज़ाइन वो डिसाइड करता है आपका एक टास्क कैसे होगा कैरी एक वर्क प्लेस पे। प्रैक्टिसेस आर मेथड्स और स्टैंडर्ड्स लेड आउट फॉर कैरिंग आउट अ सर्टन टास्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रैक्टिस होती है, एक कल्चर होता है, प्रैक्टिस किया जाता है जिस तरीके से वहाँ काम किया जाता है। अगर वो आपके जॉब डिज़ाइन से अलाइन हो रहा है, दैट मीन्स योर जॉब डिज़ाइन हैज़ बीन अलाइंड वेरी वेल विद द कंपनीज पर्सपेक्टिव्स, विच हैज़ टू बी अलाइंड विद द एम्प्लॉय, जो आपका एम्प्लॉय रिक्रूट हुआ है, जो न्यू ज्वाइन है या फिर पुराना जो काम कर रहा है, अगर उनके जॉब स्किल से अलाइन हो रहा है कंपनी का किसी एक जो आपके कल्चर से अलाइन हो रहा है प्रोसेस, तो आपका काम प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सो दीज फैक्टर्स इंक्लूड बोथ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय की खुद की स्किल्स हैं, अबिलिटीज़ हैं और उनकी अवेलेबिलिटी, एंड जो एक्सटर्नल है उनके सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रॉस्पेक्ट्स जो चल रहे हैं, वो अगर प्रॉपर तरीके से कंसिडर किया जाए, तो जॉब डिज़ाइन से अगर अलाइन किया जाए, दैट मीन्स आपकी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं एक जॉब को डिज़ाइन करने के लिए। एम्प्लॉय की स्किल्स एंड अबिलिटीज प्ले अ क्रूशल रोल वाइल डिज़ाइनिंग द जॉब। डिजाइनिंग अ जॉब दैट इज़ मोर डिमांडिंग एंड अबव देयर स्किल सेट विल लीड टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। सिंपल, आपने जॉब डिज़ाइन करी, बट जो आपने जॉब को डिज़ाइन किया, आपकी जॉब जो डिमांड कर रही है वो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी से भी ज़्यादा है, ये एम्प्लॉय की स्किल से ज़्यादा है। वो ऑब्वियस ही बात है कि वो डिलीवर नहीं कर पाएगा एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय डिलीवर नहीं कर पाएगा उस पेस पे, जिस पेस पे एक जॉब डिज़ाइन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी और उसी से एम्प्लॉय का डिससेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ेगा, विच इन टर्न विल डिक्रीज द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। राइट, सो जॉब्स आर डिजाइंड कीपिंग द एम्प्लॉय सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो। इन चीज़ों को कंसिडर करके ही आप जॉब डिज़ाइन करते हो। बिहेवियरल फैक्टर्स, बिहेवियरल और ह्यूमन फैक्टर्स आर दोज दैट पर्टेन टू द ह्यूमन नीड एंड दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्टिविटी एट वर्क प्लेस। सिंपल सी बात है, किसी एक जो भी एम्प्लॉय है या जो भी आपके इंडस्ट्रीज में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके ह्यूमन फैक्टर्स को देख के चलना कि जो उनकी नीड है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो इनकी जो इंश्योर प्रोडक्टिविटी है वो इसको इंश्योर नहीं कर सकते। राइट, इफ़ द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी, इफ़ द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग मोटिवेटेड टू डू अ सर्टेन जॉब, ही वोंट बी गिविंग इज 100% टू इन अ पर्टिकुलर जॉब, तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली इट कम्स टू वन थिंग ओनली, कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंश्योर नहीं वो अपनी कर पाएगा वर्क प्लेस में। और अगर प्रोडक्टिविटी इंश्योर नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स कि जो ओवरऑल जो उसका जो हार्म है वो ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करना पड़ेगा। वट आर द मेथड्स ऑफ जॉब डिज़ाइन? ठीक है, देर आर बेसिकली ब्रॉड फोर मेथड्स: जॉब इनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब सिंप्लीफिकेशन। स्टार्टिंग विथ जॉब रोटेशन, सो इट्स अ मैनेजमेंट अप्रोच वेर एम्प्लॉयज़ आर स्विच्ड बिटवीन टू और मोर असाइनमेंट्स और जॉब्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर देम और एक्सपोज देम टू ऑल वर्टिकल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। राइट, जॉब रोटेशन का मतलब क्या है कि आप जॉब को रोटेट करा रहे हो। सपोजिटली उसने 4 साल किसी एम्प्लॉय ने काम किया मार्केटिंग में, 4 साल बाद आपने बोला कि चलो अब एचआर में काम करो, फिर आपने बोला कि चलो अब टेक्निकल फील्ड में काम कर लो, अब अकाउंट्स संभाल लो, तो इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉय को आपने उसको अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग वर्टिकल्स में आपने एक्सपोज किया कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। बट ये रैंडम नहीं किया जाता, इट्स अ प्री प्लान्ड अप्रोच विद एन ऑब्जेक्टिव टू टेस्ट द एम्प्लॉय स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज इन ऑर्डर टू प्लेस देम एट द राइट प्लेस। बेसिकली वॉट हैपन्स इज व्हेन एन एम्प्लॉय इज वर्किंग इन अ कंपनी फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, वो अकस्टम हो जाता है वहाँ के कल्चर से और उसे पता चल जाता है कि किस डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम हो रहा है। तो कंपनी ऐसे नहीं किसी भी रैंडम एम्प्लॉय को बोलती है कि चलो जॉब रोटेशन कर लेते हैं। कंपनी टेक्स केयर ऑफ इट कि उसी एम्प्लॉय को बोले जिससे उनको लगता है कि वो उस पोजिशन पे राइट टाइम एट द राइट प्लेस फिट हो सकता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द मोनोटोनी ऑफ द जॉब एंड गिव्स देम अ वाइडर एक्सपीरियंस एंड हेल्प देम गेन मोर नॉलेज। ऑब्वियस सी बात, इससे क्या होगा, 4 साल से या 5 साल से कोई इंडिविजुअल एक ही प्रोसेस में इन्वॉल्व है, सुबह शाम आके एक ही काम करता है, नाउ इज डिमांडिंग चेंज इन हिज जॉब। तो इससे क्या होगा कि व्हेन दिस जॉब रोटेशन इज ऑफर्ड टू हिम, तो उसका जो एक्सपीरियंस है दैट ऑल्सो वाइडन्स और उसको नॉलेज उसकी गेन होती है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी डूइंग द जॉब बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन डूइंग द जॉब। सो जॉब रोटेशन इज़ अ वेल प्लान्ड मैनेजमेंट अप्रोच दैट इज़ बेनिफिशियल बोथ फॉर द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट। कैसे?
एम्प्लॉय को तो ऐसे बिकॉज उसका तो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, उसकी मोनोटनी कम हो रही है एंड ही इज़ गेटिंग न्यू थिंग्स टू लर्न नाउ. मैनेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट इज सेविंग अ लॉट ऑन कॉस्ट, उन्हें नया बंदा हायर नहीं करना पड़ा, जो एक्स उनके जो प्रेजेंट में एम्प्लॉय है उससे ही वो चीज़ अब दूसरे काम करवा रहे हैं, तो उनके लिए तो डबल विन हो गया कि उनका एम्प्लॉय रिटेन हो गया और वो दूसरे प्रोसेस में भी प्रॉपरली एडजस्टेड हो गया. देन जॉब एनरिचमेंट. जॉब एनरिचमेंट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग वेरियस एग्जिस्टिंग एंड न्यू टास्क इन टू वन लार्ज मॉड्यूल ऑफ वर्क. ठीक है, एनरिच करना, आपने किसी प्रोसेस को रिचनेस दे दी, मतलब आपने एनरिच कर दिया. ठीक है, नया काम आप सिखा दो किसी को उसके एग्जिस्टिंग टास्क के साथ, फिर जो नया टास्क आप सिखाते हो द वर्क इज देन हैंडेड ओवर टू एन एम्प्लॉई, विच मीन्स देर इज एन इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द स्कोप. ओके, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंक्रीमेंट हो गया, स्कोप में आइडिया इंक्रीमेंट हो गया. इसका आइडिया क्या होता है कि इट्स टू ग्रुप वेरियस टास्क टुगेदर सच दैट नेचुरल वर्क यूनिट्स आर क्रिएटेड. कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि साथ में काम हो सकता है जिनका, तो एक टाइम के बाद उनको क्लब कर दिया जाता है और यहाँ पे जॉब एनरिचमेंट के प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए एक एम्प्लॉय को आप अपॉइंट कर देते हो कि हाँ चलो ठीक है आज से आप ये काम भी संभालोगे. ठीक है, तो आपने जॉब को एनरिच कर दिया बेसिकली. एम्प्लॉयज आर फ्रीक्वेंटली अप्राइज्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस. ठीक है, दिस कीप देम ऑन ट्रैक एंड हेल्प देम नो देयर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. टाइम टू टाइम एम्प्लॉय को बताया जाएगा कि आप इस जगह यहाँ पे इस पे लैक कर रहे हो, यू वर्क ऑन इट, और वही चीज़ उनको अपने ट्रैक पे रखने में हेल्प करती है, उनको वीक इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता करते रहते हैं. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर द एम्प्लॉयज देमसेल्स एंड फ्यूचर परफॉर्मेंसेज आर मैच्ड अगेंस्ट द बेंच मार्क्स. ऑफकोर्स कि बेंच मार्क सेट किया जाता है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर आपने बोला कि यहाँ पे आपने अचीव करना है, इसके ऊपर आप जाओगे तो ओवर अचीवमेंट है, इसके नीचे आप जाओगे तो अंडर अचीवमेंट है, तो आपने एक बेंच मार्क सेट कर दिया एम्प्लॉयज़ का वो खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर आपने फ्यूचर परफॉर्मेंस को उस बेंच मार्क से मेजर किया कि अगर वो ऊपर जाएगा इट्स गुड फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉय, नीचे जाएगा तो इट्स वाइस वर्सा. इट प्रोवाइड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज टू अक्वायर न्यू स्किल्स, इंक्रीजेज मोटिवेशन एंड मोराल ऑफ एन एम्प्लॉय, क्रिएट्स परफॉर्मेंस बेस्ड रिकग्निशन. परफॉर्मेंस बेस्ड रिकग्निशन का मतलब क्या हुआ, जॉब इनरिच आपने किया तो अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी संभाल रहा है, जो उसको आज तक नहीं आता था वो उसको भी संभाल रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई. तो परफॉर्मेंस बढ़ गई इन द सेंस जो परफॉर्मेंस वो मिल रही है उसको, अब उस परफॉर्मेंस के बेस जो उसको रिकग्निशन मिलेगा वो उसको इंटरनली हैप्पी फील कराएगा. ठीक है, तो उसे एक अकम्पलिशमेंट फील होगा उसको कि मैंने अपनी जॉब में रहते हुए दूसरा काम भी किया और मैंने उसमें अचीव किया, सो दिस गिव नाउ दिस इज गिविंग मी अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट नाउ. ठीक है, उससे क्या आपका वर्क एनवायरनमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉय के जो टर्नओवर है ठीक है वो भी कम होगा, कि जो लोग छोड़ के जाते हैं जिसे हम अट्रिशन बोलते हैं वो भी कम होगा. देन इज जॉब एनलार्जमेंट टेक्निक वेर इन देर इज ए इंक्रीज इन नंबर ऑफ टास्क एसोसिएटेड विद अ सर्टिन जॉब. आपकी जॉब वही है, आपके टास्क को बढ़ा दिया गया, एनलार्ज कर दिया गया. इट मीन्स दैट इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ द वंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पहले में था एनरिचमेंट, ये है एनलार्जमेंट. दिस इंक्रीज इन स्कोप इज क्वान्टिटेटिव इन नेचर एंड नॉट क्वालिटेटिव एंड एट द सेम लेवल. ठीक है, एनलार्जमेंट का मतलब भी आप सेम लेवल पे हो, आप वर्टिकली नहीं जा रहे हो, हॉरिजॉन्टली आपको काम दिया जा रहा है. क्वांटिटेटिव नेचर पे नहीं है, नेचर पे है, क्वालिटेटिव नेचर पे नहीं है. ठीक है, आपका नंबर ऑफ टास्क बढ़ा दिए हैं, आपके जॉब को एनलार्ज कर दिया है. ठीक है, बट आपकी पोजिशन सेम है अभी भी. तो जॉब एनलार्जमेंट इज अ हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रक्चरिंग मेथड दैट एम्स एट इंक्रीज इन द वर्क फोर्स फ्लेक्सीबिलिटी एंड एट द सेम टाइम रिड्यूसिंग मोनोटनी दैट में क्रीप आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वही जो हमने बात की, एक टाइम तक अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है 5, 6, 7 साल तक काम कर रहा है, तो उसको एक मोनोटनी आ जाती है कि मैं रोज़ रोज़ एक काम कर रहा हूँ, तो उसको आप दूसरा काम दे रहे हो. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल लोडिंग इन दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज एट द सेम लेवल एंड नॉट वर्टिकली. जो हमने बात करी अभी वो उसकी आप प्रमोशन या फिर वो एक स्टेप ऊपर नहीं जा रहा है, ही इज़ ऑन द सेम लेवल बट उसका आपने दायरा बढ़ा दिया काम करने का. इससे क्या होगा कि मोनोटनी जो है उसकी कम हो जाएगी और जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है दो तीन काम को एक साथ हैंडल करने की वो बढ़ जाएगी. देन द लास्ट वन फॉर द लेक्चर इज जॉब सिंप्लीफिकेशन. जॉब सिंप्लीफिकेशन इज अ बेसिक इट्स अ सिंपल एज गोज बाय द नेम इज अ प्रोसेस एम्ड एट रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्कलोड ऑफ अ जॉब, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल, मोर एफिशियंट एंड लेस स्ट्रेसफुल. ठीक है, आपने जॉब्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और
छोटे पार्ट्स अगर डिवाइड करोगे तो पास टास्क आपके और मैनेजेबल हो जाएंगे, एलिमिनेटिंग रिडंडेंट एक्टिविटीज़ एंड ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके कुछ चीज़ें हैं जो आप रिक्वायर्ड नहीं हैं, जो रिडंडेंट हैं, बेसिकली नॉट सो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़, उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, उनको आप ऑटोमेटेड कर सकते हो। ठीक है, खुद से खुद हो रही हैं वो वाले चीज़ें कर सकते हो, कि वहाँ पे ह्यूमन फोर्स को लगना ना पड़े एक ही काम को बार बार करने के लिए। उसके लिए आप कम मशीन्स को इवॉल्व कर रहे हो, मशीन को आप डाल लो, आप अपनी जॉब को स्ट्रीमलाइन कर रहे हो फोकस करने के लिए। ठीक है, तो गोल जो है सिंप्लीफाइंग जॉब का वही है कि आपकी जॉब को स्ट्रीमलाइन करेगा और एक इंडिविजुअल को अलाउ करेगा तो और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिव होने के लिए, एफिशिएंट होने के लिए, एंड हैव अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। सिंपल, अगर आप 9 घंटे काम करते हो और आप बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हो तो उससे आपकी वर्क लाइफ बैलेंस भी सफ़र करती है, बिकॉज यू टेक योर वर्क टू योर होम ऑल्सो। अगर आप सिंपल काम काम के आप अगर आपका काम अगर डिवाइड करके सिंपल तरीके से कर दिया जाए, काम को छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाए, देन इट डज नॉट क्रिएट एनी स्ट्रेस इन योर माइंड ऑल्सो। आपकी वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर तरीके से मैनेजेबल कंडीशन में रहेगी, और आप नेक्स्ट डे जब आओगे काम करने के लिए तो वो भी आप प्रॉपर फ्रेश माइंड से आप काम कर सकते हो। तो सिंपलीफाइंग जॉब्स कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस लेवल्स, राइट? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे क्या है कि इट ऑटोमेटिकली इट इन हैव यू हैव दिस आइडिया कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ी दैट मीन्स कि आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। देन इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एनहैंस द ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस जो हमने पहले पढ़ा। इट ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल्स टू फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ्स, लीडिंग टू बेटर जॉब परफॉर्मेंस एंड करियर डेवलपमेंट। सिंप्लीफाइंग जॉब्स कैन लीड टू सेविंग कॉस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड बेटर ओवरऑल आउटकम्स। सिंपल सी बात, आपने काम को डिवाइड कर लिया सिंपल छोटी छोटी टास्क में, तो उससे क्या हुआ कि जो आपके एम्प्लॉय इन्वॉल्व है उसको ज़्यादा स्किल्स की या ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, तो उससे क्या हुआ कि वो छोटे प्रोसेस से या फिर अपने जो डेली वर्क से भी अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाएगा, कॉस्ट आपकी कम लगेगी, और जो आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन दैट मीन्स जिसके लिए आप काम कर रहे हो, अगर उन तक वो आउटपुट पहुँच रहा है वो भी खुश, और बेसिकली सारा जो आपका ओवरऑल जो आउटकम है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का, उनके गोल को अचीव करने का, वो भी प्रॉपर आप आउटकम को अचीव कर पाओगे। तो ये लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट द जॉब डिज़ाइन द टेक्निक्स ऑफ जॉब डिज़ाइन एंड द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन एंड जॉब इवैल्यूएशन। थैंक यू सो मच।